हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर तो तुहाडा वेलकम करते हाँ जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल पर, जिस विच असी अज दी वीडियो विच पे कमीशन संबंधी लेटेस्ट अपडेट लैके हाजिर हाँ जी। मुलाजमान ते पेंशनरां दा लंबे समय का इंतजार जिहड़ा है हुण खत्म हो चुका है, तो मुलाजमान लई सरकार वल्लों अहम फैसला लिया गया है। दिते वड्डे तोहफे, तनखाह विच वाधा ते पेंशन विच वाधा, सरकार ने हुणे हुणे मुलाजमान ते पेंशनरां नूं दित्ता वड्डा तोहफा। सो की है जी पूरी जानकारी, अज दी इस वीडियो विच पूरी जानकारी दित्ती जाएगी। पंजाब सिक्स्थ पे कमीशन पंजाब दे मुलाजमान ते पेंशनरां संबंधी हर अपडेट पाउण लई चैनल नूं सबसक्राइब करो, बैल आइकन प्रेस करो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुहाडे कोल पहुँच सके। सो शुरू करदे हां जी अज दी अपडेट ते ले चलदे हां न्यूज़ ते। खुशखबरी, बद सकती है मुलाजमान की रिटायरमेंट की उम्र ते पेंशन की राशि। केंद्र की मोदी सरकार मुलाजमान नूं जल्द ही खुशखबरी दे सकती है। कर्मचारियों के सेवा मुक्त की उम्र अते पेंशन की राशि वधाउण उत्ते सरकार विचार कर रही है। ये प्रस्ताव यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम आर्थिक सलाहकार कमेटी वालों प्रधानमंत्री नूं भेजा गया है। इस विच देश विच लोकां दी कमकाजी उम्र सीमा वधाउण दी गल कीती गई है। इस दे नाल ही पीएम दी आर्थिक सलाहकार कमेटी ने कहा है कि देश विच सेवा मुक्ति दी उम्र वधाउण दे नाल नाल यूनिवर्सल पेंशन प्रणाली भी शुरू कीती जानी चाहीदी है। सीनियर सिटीजन सेफ्टी कमेटी की रिपोर्ट अनुसार इस सुझाव तहत मुलाजमान हर महीने घट्टों घट 2000 रुपये पेंशन दी जाएगी। तुहानू दस दईए कि आर्थिक सलाहकार कमेटी ने देश में सीनियर नागरिकां की सुरक्षा लई बेहतर प्रबंधा की सिफारिश की है। हुनर विकास जरूरी, रिपोर्ट विच कहा गया है कि जेकर कमकाजी उम्र की आबादी नूं वधाउणा है तो सेवा मुक्ति की उम्र वधाउण की सख्त लोड़ है। अजिहा समाजिक सुरक्षा प्रणाली उत्ते दबाव घटाउण लई कीता जा सकता है। रिपोर्ट विच 50 सालों तो वध उम्र के व्यक्तियों लई हुनर विकास बारे भी गल की गई है। सरकारां नीति बनाउंदियां हन, रिपोर्ट विच कहा गया है कि केंद्र अते राज सरकारां नूं अजिहे नीतियां बनाउणियां चाहीदियां हन तां जो हुनर विकास किया जा सके। इस यतन विच असंगठित खेत्र विच रहण वाले दूर दुराडे दे इलाकियां, शरणार्थी, प्रवासियों नूं भी शामिल करना चाहीदा है जिन्हां कोल सिखलाई लैण दे साधन नहीं हन पर उन्होंने सिखलाई दी जानी चाहिए है। विश्व आबादी प्रोस्पैक्ट 2019 रिपोर्ट तुहानू दस दिए कि वर्ल्ड पापूलेशन प्रोस्पैक्ट 2019 के मुताबिक साल 2050 तक भारत में 32 करोड़ सीनियर नागरिक होंगे, यानी देश की लगभग 19.5% आबादी रिटायर्ड की श्रेणी में जाएगी। साल 2019 भारत की आबादी का लगभग 10% या 140 मिलियन लोग बुजुर्ग नागरिकों की श्रेणी में आएंगे।